सबसे पहले तो आप ये बताओ कि चोटी मास्टर ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर तुम्हारी भाभी गाया को हरा सकता है या नहीं। आई मीन थॉर के फीट्स हम सब जानते हैं जिसमें टॉप में आता है थैनोस को जख्मी करना जब उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे एंड उसके सर को धर से अलग करना प्लस उससे हेड ऑन लड़ना। बट यहाँ हम गाया की बात कर रहे हैं जिसके पास कैप्टन अमेरिका घोस्ट कल ऑब्सिडियन इबोनी मॉथ थैनोस कैप्टन मार्वल ड्रैक्स क्रूट एक्सट्रीमिस एबोमिनेशन कॉर्क मैंटिस फ्रॉस्ट बीस्ट हल्क थॉर एंड ना जाने कितनों के पावर्स हैं। आप लोगों को अपना जवाब विथ प्रॉपर रीजन कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि मैं तो पूरा वीडियो ही बना रहा हूँ कि कौन असली में जीतेगा। सबसे पहले हम एक की पॉइंट को कंसीडर करते हैं जो कि प्लॉट पॉइंट के जैसे काउंट किया जा रहा है या फिर कहीं प्लॉट आर्मर के जैसा काउंट किया जा रहा है, और वो ये है कि गाया को पावर्स मिलते ही वो उनको ऐसे यूज कर रही थी जैसे कि सालों का एक्सपीरियंस हो। बट ये प्लॉट आर्मर नहीं बल्कि ये उस कैरेक्टर के अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल आप थैनोस को ले लो, वो बंदा हर स्टोन को लेकर उसको ऐसे यूज कर रहा था मानो कितने समय से उसके पास एंड उसके पास इन सब को यूज करने का एक्सपीरियंस है। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रहा था तो वहां पर उसको विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेने हो रहे थे एंड वो वहां पे उनको परफेक्टली एग्जीक्यूट भी कर रहा था, जो कि न्यू पावर के साथ लेना आसान नहीं होता है। बट वहां पर उसने ऐसा किया और हम सब उसके इस फीट को काउंट भी करते हैं। सो गाया को जब पावर्स मिलते हैं और उसके बाद से उसने जो बवाल मचाया इसको भी हम उसके हाई अडेप्टेबिलिटी स्किल के अंदर काउंट करेंगे, ना कि लेजी राइटिंग। खैर मुद्दे पर आते हैं कि गाया वर्सेस थॉर में कौन जीतेगा, जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हारी भाभी की तरफ से बोलूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन एंड फिर थॉर के पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा एंड उसके बाद से नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो सबसे पहले हम गाया की बात करें तो गाया के पास थैनोस एंड हल्क के पावर्स है जो कि इतनी मोटी चमड़ी रखते हैं कि अगर थॉर म्योनिर से अटैक करेगा तो उसको वो आराम से सह लेगी। तो जो लोग बोल रहे थे कि गाया के लिए थॉर क्या, थॉर का म्योनिर ही काफी है, बॉस ये एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इबोनी मॉ थॉर को अपने टेलीकिनेसिस पावर से यहाँ पे जकड़ के रखा हुआ था। जिनको ये छोटी बात लग रही है उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ थॉर के सामने उसके लोग उसके बेस्ट फ्रेंड एंड उसका भाई तक मारा गया था एंड थॉर यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया था, नॉट इवन वो इबोनी मॉ के कैद से आजाद हो पाया था। अब तुम ही सोच के बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने मारे जा रहे हैं तो क्या तुम पूरा जोर नहीं लगाओगे उस कैद से बाहर निकलने के लिए और उनको बचाने के लिए? ऑब्वियसली लगाओगे, जो कि थॉर भी यहां कर रहा था। बट इबोनी मॉ की टेलीकिनेटिक पावर इतनी ज्यादा थी कि वो थॉर को रिस्ट्रेन कर पा रही थी। नोट, यहां पे इबोनी मॉ थॉर को रिस्ट्रेन कर रहा था, ना कि वो मेटल, क्योंकि उस मेटल में इतना दम नहीं कि थॉर को वहां पे बांधे रख सके। ऑफ कोर्स यहां पर हमें ये भी कंसीडर करना होगा कि थॉर यहां पर थैनोस से लड़ चुका था एंड थका हुआ था, प्लस यहां पर उसने मात खाई थी। इसके अलावा पावर स्टोन का टॉर्चर अलग से था, बट फिर भी अपनों को अपने सामने खोते हुए देख के ही काफी सारे कैरेक्टर्स गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा चल जाते हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हुआ था जहां शुरू से ही एबोमिनेशन डोमिनेट कर रहा था, बट जैसे ही हल्क बेटी को खतरे में देखता है वैसे ही वो एबोमिनेशन को ओवरपावर करके ना सिर्फ बेटी को बचाता है बल्कि एबोमिनेशन को उसकी औकात दिखाता है। खैर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन मार्वल की पावर्स भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कैप्टन मार्वल का लोहा तो थॉर ने भी एक्नॉलेज किया था जब कैप्टन मार्वल यहां डिंगे हांक रही थी कि चलो थैनोस को कूट के आते हैं, जिसको देखकर हम तो क्या वहां मौजूद सबको ही कह रहे होंगे कि चुप कर सातवी फेल, गजब बेइज्जती है। बट जब थॉर ने कैरोल के सामने स्टॉर्मब्रेकर को समन किया एंड कैरोल ने अपने पलके नहीं झपके बस एक स्माइल दी, तब थॉर भी समझ गया कि कैरोल का कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि पावर भी अच्छे खासे लेवल पर है, जिसको उसने एंड गेम के फाइनल बैटल पर साबित भी किया था जहां उसने थैनोस के शिप को डिस्ट्रॉय किया था प्लस थैनोस से वन ऑन वन लड़ी भी थी। ये अलग बात है कि उसको बाद में थैनोस ने उसकी जगह दिखा दी थी। ये भगवान क्या जुल्म है, लेकिन उस बात को थोड़ा सा साइड करते हैं। एनीवेज कैप्टन मार्वल की पावर्स इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि याद है मैंने ये कहा था कि अगर गाया को उनके पावर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कमजोरियां भी उसको मिल रही होगी। एंड एग्जांपल के तौर पे मैंने घोस्ट के फेजिंग पावर को पॉइंट आउट किया था कि जब गाया फर्स्ट टाइम घोस्ट के फेजिंग पावर को यूज करती है तो वो वहां पर हांफने लगती है, इंप्लाइंग कि यहां पर गाया के बॉडी पर घोस्ट के पावर का टोल पड़ रहा है। बट
जब फाइट एंड होने वाला होता है तो गाया घोष की पावर्स को यूज कर रही होती है तो वो वहां पर नहीं हाँफती, क्योंकि उस वक्त वो कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म में थी, जो कि हम उसके ग्लोइंग आईज से कह सकते हैं। यही नहीं, इस सीन में वो चार कैरेक्टर्स के पावर को एक साथ यूज कर रही थी, जहां पहला पावर तो कैप्टन मार्वल का ही था, वहीं दूसरा था एबोमिनेशन का एक हाथ, तीसरा था कल ऑब्सिडियन का हाथ एंड चौथा था घोष्ट की फेजिंग पावर को दौड़ते हुए यूज करना जब ग्राविक उसकी ओर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। मतलब कि गाया दूसरे पावर्स की मदद से अपनी कमजोरियों को कवर अप कर सकती है। अब समझे मैंने ऐसा क्यों कहा था कि गाया मोस्ट पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर है जो अर्थ में मौजूद है। वैसे तुम्हारी भाभी है तो सिर्फ तरदारी ही नहीं करूंगा बल्कि कुछ कमियां भी गिनाऊंगा, जो कि है कि उसकी लिमिटेशंस। अभी तक हमें गाया की लिमिटेशंस नहीं देखने को मिले हैं। हमें ये तो पता है कि जिसकी भी पावर उसके पास है वो उसको मोस्ट पावरफुल फॉर्म तक ले जा सकती है, जैसे कि कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म को, बट वो इसको कितने देर तक सस्टेन कर सकती है ये हमें नहीं पता। एंड ये पॉइंट बहुत है थॉर को अपर हैंड देने के लिए, क्योंकि थॉर के म्योनिर से तो वो बच सकती है उसको फेज या थैनोस के चमड़ी को लेकर, बट थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेकर आया तो वो गाया को मार भी सकता है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि गाया के पास ऐसे कैरेक्टर के पावर्स हैं जिससे वो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को डॉज कर सकती है, जैसे कि घोष्ट के फेजिंग पावर, या फिर थैनोस और हल्क बनकर वो उनको रोक भी सकती है या फिर उनके अटैक्स को सह सकती है। ब्रूट के मदद से वो एक पिक से भी वापस आ सकती है, वहीं एक्सट्रीमिस्ट से वो खुद को हील भी कर सकती है। बट अगर थॉर गाया को दबोच लेगा जैसे गाया ने दबोचा था ग्राविक को, तो शायद तक वो दूसरे कैरेक्टर्स का पावर यूज ना कर पाए, क्योंकि ग्राविक के साथ यही हुआ था एंड शायद तक इसीलिए वो यहाँ पर उसको इतने आसानी से मार पाए। अब ये तो बात चली जिसमें हमने ये माना कि गाया के पास थॉर की लाइटनिंग पावर्स नहीं है। नाउ जस्ट इमेजिन कि थॉर की लाइटनिंग पावर अगर उसके पास हो तो क्या होगा। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहला ये कि थॉर गाया से अपने गॉडली पावर्स को ले लेगा, क्योंकि अब वो इस पोजीशन में है कि पावर्स दे सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने पावर्स को वापस ले भी सकता है। और अगर हम ये माने कि थॉर की पावर्स उसके पास रहती है तो बॉस ये फाइट काफी मजेदार होगा एंड आई एम प्रिटी श्योर कि थॉर जीतेगा, क्योंकि म्योनिर में जो अलग अलग होकर टारगेट को मारने का जो पावर है, ये पावर यहाँ पे गाया को उलझाए रखने में काफी मदद करेगा एंड थॉर के पंचेस काफी होंगे उसको अपने डिफरेंट पावर्स पे फोकस हटाने के लिए। एंड जिस पल उसका अपने पावर से फोकस हट जाएगा या फिर कंट्रोल छूट जाएगा, थॉर की एक लाइटनिंग अटैक और कहानी खत्म। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ग्राविक यहाँ पे हल्क वाले पैर से जब एक किक मारता है और गाया नीचे गिरती है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, मतलब कि वो ह्यूमन वाले लुक में। तो यहाँ पे इस तरह की ओपनिंग अगर थॉर को मिलेगी तो वो अपने लाइटनिंग अटैक से उसको आराम से भस्म कर सकता है। गाया के पास हाई अडेप्टिबिलिटी होगी, बट थॉर इज थॉर, जिसको भले ही थॉर 4 में भाव ना मिला हो, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक लौता है जो कि हल्क एंड थैनोस के अगेंस्ट टू 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 लड़ा था। वहीं थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के होते हुए भी चोट पहुंचाया था, वो भी अपने अकेले के पावर के दम पर। सो अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूं तो गाया अच्छा खासा टक्कर दे सकती है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की भी है, बट फाइनल ब्लो अपना थॉर ही मारेगा। सॉरी गाया जी, आई लव यू बट आई लव थॉर मोर। ऐसा नहीं है कि थॉर से लंबे समय से मैं प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसको यहाँ पे जिता रहा हूँ, बल्कि इसलिए उसको यहाँ पे जिता रहा हूँ क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी हम लोगों ने देखा हुआ है, जहाँ पे हमें पता है कि वो पावर स्टोन की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को सह गया था, जो कि इतना पावरफुल होता है कि प्लैनेट तक को उड़ा दे। और यहाँ पर तो उसने डाइंग स्टार की पूरी शक्ति को झेला था, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मरा था, लेकिन विद इन सेकेंड्स वो हील करके वाकांडा आता है, जो कि आज भी एमसीयू की बेस्ट एंट्री सीन है, जहाँ पर वो सबको बचाता भी है। तो इससे हम थॉर की ड्यूरेबिलिटी लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। वही अगर हम गाया की बात करें तो गाया के पास जितने भी कैरेक्टर्स के पावर है उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी तो नहीं अभी तक हम लोगों को देखने को मिली है जितना थॉर का है। सो गाया के पास ऐसा एक भी कैरेक्टर का पावर नहीं है जो थॉर को टक्कर दे दे। वी ऑल नो कि वकांडा वाज डूइंग गुड अगेंस्ट आउटराइडर्स, बट बाजी तब पलटी जब वहां थॉर आया था। वैसे जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बता देता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि थॉर ने म्योनिर फेंका एंड वो गाया को जाकर नहीं लगा, क्योंकि गाया ने थॉर का ही रूप ले लिया था, क्योंकि उसका डीएनए भी गाया के अंदर है। सो बेसिकली गाया थॉर की कॉपी हुई जिसको म्योनिर चोट नहीं पहुंचाएगा। बट देन अगेन बात यही आएगी कि ये फाइट लंबी चलेगी बट जीतेगा थॉर, क्योंकि कॉपी एंड ओरिजिनल में हमेशा ओरिजिनल जीतता है। खैर ये तो मेरा मानना है, आपका क्या कहना है इस पे आप
हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। टाइम से खाना एंड पानी पीते रहना ताकि प्रॉपर एनर्जी बॉडी को मिलते रहे एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज बॉडी को फिट करने के लिए। बाकी आई होप कि घर में सब ठीक होंगे एंड अगर ऐसा नहीं है तो आई प्रे कि सब ठीक हो जाए। बाकी लाइफ में तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, इसलिए बिना फल की चिंता किए कर्म करते जाओ, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। सी यू सून।